अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, अमीनिया फूड डायरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन स्टीम के लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, 1 teaspoon हमने सॉल्ट लिया है और 1 cup हमने विनीगर लिया है, सिरका लिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। नमक को हम इसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 1 cup जो हमने सिरका लिया है वो हम इसमें डालेंगे। नमक और सिरके को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। ये देखें, इसमें हमने डीप से कट पहले ही लगा लिए हैं चिकन में। इससे हमारा मसाला वगैरह जो हम इसमें लगाएंगे वो इसमें अंदर तक अच्छी तरह चला जाएगा, इसलिए हमने ये डीप कट पहले ही लगा लेने हैं। ये हमने नमक और विनीगर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हमने चिकन को 2 घंटे के लिए रख दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसका हमने मसाला तैयार करना है। हमने जो हम चिकन पे लगाएंगे इसके लिए हमने 1 cup हमने दही लिया है। उसके बाद हमने स्पाइसेस में 1 teaspoon हमने ब्लैक पेपर काली मिर्च ली है, 1/2 teaspoon हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हमने चिकन पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हमने वाइट मिर्च यानी कि वाइट पेपर लिया है, 1/2 teaspoon हमने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला लिया है, सॉल्ट हमने अपने हिसाब से लिया है 1 teaspoon, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 1 teaspoon हमने लिए हैं चिली फ्लेक्स और 1 teaspoon हमने लिया है गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा हमने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। तो चलिए अब इनको सब मसालों को हम दही में मिक्स कर लेते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अच्छा सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि ये चिकन पे अच्छे से लग सके। वन टीस्पून हमने पहले चिकन पे नमक लगाया था और अब 1 teaspoon हमने इसमें डाला है। ये देखें, हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब हम 2 घंटे का वेट करते हैं ताकि हम चिकन मैरिनेट हो जाए, उसके बाद हम उस पर ये मसाला लगाएंगे। ये देखें, चिकन को हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा विनीगर और पानी था वो हमने निकाल लिया। हम विनीगर की वजह से ये जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये बहुत ही जूसी सा बनेगा। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई हमने करना है। ये हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। डीप फ्राई हमने करना है और तेज़ आंच पर हमने फ्राई करना है। चिकन को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे।
इसको हमने पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है। चिकन को हमने अच्छे से ब्राउन करना है, जब इसमें रेडी शेड आने लग जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसमें ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें सब पीसेस को कर लेंगे हम अच्छे से ब्राउन। ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है, देखिए इसमें रेडिश ब्राउन सा शेड आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे, निकाल के हम इसे किसी भी प्लेट या ट्रे वगैरह में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। ये देखें चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, इनका कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इस पे मसाला लगाएंगे। ये देखें चिकन ठंडा हो चुका है, अब हम जो मसाला हमने तैयार किया था वो इस पे डालेंगे। इस पे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, इसके जो हमने कट्स लगाए थे उनके अंदर भी हम अच्छे से इसको लगा लेंगे। ये हमने चिकन को मसाला लगा लिया है, अब हम इसे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे मसाला लगा के, ताकि इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए मसाला। उसके बाद हम इसे स्टीम देंगे। चिकन को आधा घंटा हो चुका है, अब हमने एक पैन लिया है, उसके नीचे हमने 2 ग्लास पानी डाल के उसके ऊपर हमने बटर पेपर रखा है, तो इसमें हम अब चिकन को डालेंगे। एक एक पीस करके हमने एहतियात से इसमें रख लेने हैं सारे पीस। जो थोड़ा सा मसाला बच गया था वो हम इनके ऊपर डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगाएंगे।
अब हम इसके ऊपर ढक्कन देके इसको 30 मिनट के लिए स्टीम देंगे, पकाएंगे इसको। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमने हाफ आवर के लिए इसे स्टीम किया था। ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टीम रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।